वाह, दोनों संधिनी अपना गॉसिप कर रही है और ये इधर टचअप करने में एकदम व्यस्त है। दोनों का मिली भगत है पर्स। देखिए ये नया पर्स खरीदा गया है, यही मैं बोल रहा था। ये दोनों साफ देखिए कल्चर मुस्कुरा रहा है लोग। फैमिली गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू माय ब्लॉग चैनल मिस्टर मिसेस प्रशुन। तो दोस्तों एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। और गाइस घूम फिर के पहुंच चुके हैं ससुराल यानी निशा के घर पे। और जैसा कि आप सभी को पता है कि कल हमारी ट्रेन है, तो आज करनी है कुछ शॉपिंग और निशा यहाँ पे सासू माँ को कर रही है रेडी। वाह, ये देख लीजिए भाई साहब क्या नज़ारा है, बेहद ही खूबसूरत। बाकी माँ एकदम माँ का सूट मम्मी पहनी है, माँ का सूट मैंने मम्मी जी सूट दिए कि भाई आज पहनिए आप, बहुत खूबसूरत लग रही है माँ भी। और निशा एज यूजुअल तो है ही खूबसूरत और मैं बहुत ज़्यादा खूबसूरत, तो हम चलते हैं। और आज हम निशा और माँ और पापा चारों जा रहे हैं शॉपिंग करने के लिए, बहुत सारी चीज़ें लेंगे। तो आप लोग बने रहे और दिखाते क्या क्या लेते हैं और आप लोग को बहुत मजा आने वाला है इस ब्लॉग में। तो नए नए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और खूब सारा प्यार सपोर्ट करते रहिए। ये दोनों अभी किस बात पे हंस रहे लोग पता नहीं। ये दोनों समधिनी अपना गॉसिप कर रही है और ये इधर टचअप करने में एकदम व्यस्त है। ए भाई हम भी तो जाने थोड़ा हंसे। गाइस लगता है हमारे जानने वाला बात नहीं है। चलिए कोई नहीं, अभी देखिए सासू माँ एकदम मस्त बाल झाड़ के रेडी कर रही है माँ को। की थी नु मम्मी के भूल गया था जो अभी करी थी माँ खोपा बना दिया ले के ओइसन पूजा तो की पुरान का हीरोइन ही ना मल्ली कॉल कर के पीसेस। तो गाइस एक्चुअली ये लोग हंस इसलिए रहते क्योंकि पार्टी के दिन माँ मतलब जो जूड़ा बनाई थी ना रजनी ने, तो वो शायद खुल गया था, तो वीडियो में वो अजीब टाइप का आ रहा था और इसी के लिए सब पागल जैसा हंस रहे भाई। तो गाइज मैं हवाई चप्पल पहना हूँ, तो माँ कह रही है कि तुम्हारा तो ड्रेस है हवाई चप्पल वाला, क्योंकि मैं कहूँगा कि निशा जरा मेरा ड्रेस दिखा देगी, दिखा दो दिखा दो। पागल जैसा लग रहा है ये ऐसे कंफर्टेबल रहता हूँ आप पैंट में, मुझे ज़्यादा बेटर लगता है। और मेरा घर प्यारा सा घर, कल से अब इस घर को बाय बाय बोलना पड़ेगा। फिर मैं बहुत खुश हूँ, मैं अपने घर जाऊँगा। लीजिए पकड़िए। देखिए ससुर के साथ जींस पहन के जा रही हो, जींस पहन के आए, लेकिन माँ सासू माँ ही कम नहीं है देखो एकदम। वाह। तो गाइस फाइनली हमारी टीम में पापा भी शामिल हो चुके हैं और पापा और मम्मी भाई साहब एकदम आई कह रही कि लेट हो रहा है, चलो चलो जल्दी चलो क्योंकि बाबू को छोड़ के जा रहे हैं और बाबू रोने भी लगेगी, इसलिए जल्दी से चलते हैं शॉपिंग करेंगे, बहुत सारी चीज़ें लेनी है। 3:15 हो गया चलो भाई चलो। तो गाइस मज़ेदार बात यह है कि हमें अभी बैठना पड़ेगा ठेले पे। पापा हंस रहे हैं, ओ भाई कहाँ बैठना पड़ेगा, बैठो बैठो, माँ को पता भी नहीं कैसे बैठना है, माँ को निशा सिखा रही है। बैठे पापा, पापा जी आगे बैठो, जगह माँ बैठे वैसे ही बैठ जियो, जगह माँ बैठे भी तू बैठ जा। हाँ बैठ जियो। कैसा लग रहा है ठेले पे, हम मैं निशा और पापा बोली कि ऑटो में बैठ जाते हैं, बट ये बोले नहीं इसमें मजा आएगा, तो बोले कि चलिए बैठिए क्योंकि लास्ट दिन है, तो हम लोग सोच रहे हैं कि थोड़ा सा एंजॉय कर लेंगे क्या। हाँ आते टाइम ऑटो में चला है, आते टाइम ऑटो से अभी धूप भी लगेगा बेचारे, चलो कोई नहीं थोड़ा सा एंजॉय कर लेंगे। बाकी माँ माँ कैसा लग रहा है, कैसा लग रहा है सामान वाला, माँ करी बिहार में तो पर सामान वाला मस्त ठेला है गाइस मस्त। ये ओपन है एकदम, ओपन है, मजा आता है इसकी सवारी करने में, बट चलिए चलते हैं मार्केट। तो गाइस बहुत सारा शॉपिंग हुआ है, सबसे पहले शॉपिंग में हम लोगों ने किया है जूता चप्पल और निशा के लिए एक, मेरे लिए एक, भाई साहब इसका और माँ का मिली भगत है। ये लोग को नहीं लेना था, लेना सिर्फ मुझे और पापा को था, बाकी पापा इधर भी देख रहे हैं बेल्ट। और अभी हम लोग श्री लेदर में, यहाँ पर बहुत अच्छा शोरूम है श्री लेदर का, और माँ इधर एकदम घूम घूम के खाली देख रही है, इधर पूरा पर्स है तो नज़र इधर उधर हो नहीं रहा है। पर्स होने के बावजूद क्योंकि मैं अम्बाला से इसको दो दो पर्स खरीदवाया था और उसके बाद भी ये इधर इधर ध्यान जा रहा है इन लोग का, बट चलिए कोई नहीं
अभी देखते हैं और क्या लेना है। तो गाइस यहाँ से निकल के 5-6 हम लोग एकदम मुंह में है। हाँ वो रहा सब। तो अभी कुछ लेना है और एक बैग खरीदेगा इतना सारा सामान हो गया लेकर जाने के लिए। पापा कहाँ रह गए? तो गाइस अभी वहाँ से निकल के चले आए हैं साड़ी के शॉप पे और यहाँ का ये फेमस साड़ी शॉप है, लेकिन इतना कन्फ्यूजिंग है गाइस, मैं थक गया हूँ, मैं चेयर पर बैठा हूँ और माँ और निशा इधर मस्त 2-3 काउंटर घूम चुके हैं और इधर 8-10 काउंटर है साड़ी का, आप देख सकते हैं बहुत ही तगड़ी दुकान है इधर की। तो गाइस देखते ही देखते 3 साड़ी ले लिया है लोग और अभी भी चल ही रहा है शॉपिंग और 1 घंटे हो गए। और ऐसी जगह आने के बाद जहाँ पर मेंस के लिए कोई कलेक्शन ही ना हो, इंसान सबसे ज़्यादा बोर होता है और वही हाल मेरे साथ हो रहा है अभी। भाई साहब ये लग रहा है कि चरकुटा चेस का खानदान जैसा बना हुआ है और ऐसे ऐसे साड़ी देख रहे हैं ये लोग। आज पसंद आ जाएगा हैं दोनों आदमी को? ये साड़ी कैसा लग रहा है? साड़ी तो अच्छा लग रहा है भाई, देख लीजिए पूरा मीटिंग कर रहा है लोग। और पता है पर्स खरीदी और पता नहीं कहीं इतना सारा कुछ वो लोग शॉपिंग किया कि बता नहीं सकते आपको। बट अभी देखिए यहाँ पे ये साड़ी लड़ी है बंगाली साड़ी। तो गाइस यहाँ पर ये देखिए अब ओह माय गॉड, माँ अपने एटीएम से निकाल रही है, ये जादू का पिटारा है जो कभी ख़त्म नहीं होता है, इसमें बहुत सारे पैसे रहते हैं। बचपन में हम चोरी किया करते थे लेकिन प्यार से माँ दे देती है। चलो माँ चलो, और पापा पे गुस्सा हुई है माँ। सास फोटो देख लीजिए, पूरा मिल के शॉपिंग किया है लोग आज। ओ माय गॉड, निशा लीड कर रही है भाई, ये दोनों मिल के दोनों का मिली भगत है। पर्स देखे, ये नया पर्स खरीदा गया है, यही मैं बोल रहा था। ये दोनों सास देखे कल्चर मुस्कुरा रहा है लोग, अब पापा गुस्सा है क्योंकि इनका सारा पैसा उड़ाया जा रहा है, यहाँ पर आग लगाया जा रहा है पैसा में। देख लीजिए गाइस पर्स देखिए, यही जो दो औरत है जो आग लगा रही है। तो गाइस फाइनली देख लीजिए जरा हाथ में 3 साड़ियाँ, यहाँ से 3 झोला लेके निकल रही है औरत, वो देख लीजिए। वाह, अब पता है गाइस मतलब दुकानदार से बोली कि भाई 3 झोला देना, 3 साड़ियाँ, तीनों को गिफ्ट करना है, अलेगी अकेले ही। तो गाइस देखिए अब प्यास लग गया है, तीनों के हाथ में लस्सी है भाई। वाह, एक हम ही है कि लस्सी नहीं पी रहे हैं क्योंकि हम खाएंगे गोलगप्पा। गाइस बहुत सारा शॉपिंग के बाद अब है गोलगप्पा खाने की बारी, ये रहा सारा गोलगप्पा। मम्मी पापा जी लोग इधर है और इनका हालत दिखाते हैं आप लोगों को, ये महाशय का हालत देखिए भाई साहब, इतना बोझा मैं कभी नहीं ढोया हूँ शादी हो जाने के बाद। और यहाँ पे अंकल भी हंस रहे हैं। और ये पता है गाइस ये फेवरेट स्पॉट है मेरा, 4 सालों के शादी के जब भी आता हूँ यहीं से गोलगप्पा खाता हूँ, मुझे इतना पसंद है यहाँ का गोलगप्पा बता नहीं सकता आपको, बहुत मज़ेदार बनाते हैं काकू। और अभी काकू में पानी आ रहा है मेरे, चलो।